हाय गाइस, मैं हूँ मोमिता एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज है 2 अक्टूबर मींस गांधी जयंती। तो आज एक छुट्टी का दिन है और मेरे हस्बैंड घर पे है और सुबह से हम दोनों बस काम ही कर रहे थे, इसलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। और अभी जो है वो लंच टाइम है, मैंने शावर ले लिया है एंड मेरे बाल जो है वो गीले हैं। मेरे हस्बैंड अभी गए हैं शावर लेने, तो वो आ जाएंगे, फिर हम लंच करेंगे। और आज मेरी जो ड्राइविंग क्लास है वो जल्दी होने वाली है, इसलिए मैं जल्दी निकल जाऊंगी मेरे हस्बैंड को घर पे छोड़ के। तो पहले लंच कर लेते हैं, चलिए मैं आपको लंच दिखाती हूँ। सो आज जस्ट चिकन बनाया है और चावल, तो चिकन शेकत नहीं बनाया है, आप देख सकते हो, टेस्टी एंड यम्मी। सो चिकन जो है वो शेकत नहीं बनाया है, मैंने बाकी सारा काम ख़त्म कर लिया है, बस वो शार लेके आ जाए, फिर हम दोनों मिलके करेंगे लंच। टाटा। हाँ आज बहुत ही ऑड लग रहा है, देखो रोज ये मुझे छोड़ के जाता है और आज पहली बार मैं ऐसे छोड़ के जा रही हूँ। सो मैं वापस आ जाऊँगी 1.5 घंटे में, अभी टाइम है 3:15, तो मुझे 3:30 बजे पहुँचना है। बाय। सो गाइस, मैं कुछ देर पहले ही आ गई थी ड्राइविंग क्लास से, तो एक्चुअली 1.5 घंटा पहले आई थी, फिर बस हम दोनों चिल मार रहे थे और अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। सो दिस इज़ शॉपिंग डे 2। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने कोई भी शॉपिंग नहीं किया है अब तक, क्योंकि हर साल सिलीगुड़ी जाते हैं, ज़रूर है, लेकिन वो वहाँ से कुछ भी खरीदते नहीं है। वो कहते हैं कि पहले आप खरीद लो, जितना भी टाइम बचता है मैं और टिया फोर्स करती रहती हूँ कि कुछ खरीद लो कुछ खरीद लो, एंड ही इज़ लाइक दैट, नहीं आप लोग खरीदो मैं बाद में खरीदूँगी। तो अभी ऑलमोस्ट सब कुछ खरीदना हो गया है, तो अभी हस्बैंड की शॉपिंग बाकी है। और क्योंकि आज हॉलीडे है तो मैंने सोचा कि आज ही शॉपिंग कर लेते हैं, इसलिए अभी हम जा रहे हैं बाहर। तो शायद हम रिलायंस ट्रेंड्स जाएंगे, क्योंकि वहाँ के कपड़े मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो वहीं पे शायद हम जाएंगे पहले। तो देखते हैं, अगर वहीं पे सब कुछ पसंद आ जाए तो वहीं से ले लेंगे, अगर नहीं पसंद आता है तो बाहर जाएंगे। तो शॉपिंग जो है वो ऑलमोस्ट हो गई है, लाइक मेरी शॉपिंग हो गई है, टिया की शॉपिंग हो गई है, एंड आप लोग पूछेंगे कि बाकी जो गिफ्ट्स देना है मीन्स शेखत के घर में एंड मेरे घर में, तो शेखत के घर में हम लोग खरीद के कुछ भी नहीं दिए हैं, बस जब गए थे लास्ट टाइम तो हम लोग पैसे दे के आए थे, जो भी पसंद आता है खरीद लो, तो वो लोग पसंद करके खरीदने वाले हैं। एंड मेरे फादर इन लॉ ने भी मुझे एंड शेखत को पैसे दे दिए हैं, तो वही बेटर है कि जिसको जो पसंद आए वो वैसे खरीद ले। एंड मेरे घर से भी हम दोनों को पैसे दे दिया गया है, मेरे घर से तो हर ओकेशन में पैसे दे दिए जाते हैं हम दोनों को कि जो भी पसंद आता है खरीद लो। तो शेखत के घर में देना कंप्लीट है, और मेरे घर में टिया को दिया है, और मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मना किया है कुछ भी देने के लिए, क्योंकि जामा षष्ठी गया है कुछ दिन बाद, तो हर वक्त जामा षष्ठी में भी देते हैं और दुर्गा पूजा में भी देते हैं, तो इस बार कहा है कि बहुत सारे कपड़े ऑलरेडी हो गए हैं, प्लीज़ कुछ मत देना, मतलब वो लोग स्ट्रिक्टली मना किया है। तो ठीक है, कपड़े नहीं देंगे अगर बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं तो, लेकिन कुछ ना कुछ तो देंगे ज़रूर, क्योंकि दुर्गा पूजा है। देखते हैं कुछ और देखते हैं, मम्मी के लिए शायद मैं कोई शू लेने वाली हूँ, क्योंकि कपड़े लेने के लिए सिकली मना किया है, तो इसलिए मिस्टर शेखत। तो आज फाइनली इनका शॉपिंग हो रहा है, टिया इतना फोर्स करते हैं कि सिलीगुड़ी आया है, इतना दूर आया है, हम लोग सब कुछ खरीदते हैं लेकिन ये कुछ भी नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते हो?
पहले आप भी खरीद लो, मेरे लिए तो हाँ खरीदना जब हो भी जाता है फिर भी आप नहीं खरीदते। मेरा तो ऑप्शन एक ही है, या तो जीन्स लो या तो टी शर्ट लो या तो शॉर्ट लो। ये भी सही बात है कि लड़के लोगों के ऑप्शंस नहीं होते। हमारे जैसे कितने सारे ऑप्शंस होते हैं ड्रेसेस की, लाइक साड़ी होता है, सलवार सूट होता है, अभी तो बहुत सब कुछ नए आ गए है तो इनके तो कोई ऑप्शंस नहीं होते। ये लाइक ठीक है ना, आप सब लोग खरीद लो, बाद में खरीद लेंगे, कोई बात नहीं है। तो फाइनली आज जा रहे हैं इनके शॉपिंग करने। आर यू एक्साइटेड? लगता तो नहीं है कि आप एक्साइटेड हो। नहीं है, है थोड़ी बहुत, मोबाइल पे बिजी है। अभी भी आए हैं बाहर से और थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह किया है, तो हम रिलायंस ट्रेन से गए थे एंड ये बहुत ही बड़ा सा बैग हमने शॉपिंग किया है। और अभी जो टाइम है, अभी एक्चुअली 9 बजने वाले हैं, तो पहले मैं बिग बॉस देख लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या शॉपिंग किया है आज हमने रिलायंस ट्रेन से। तो शिरकत ने ही शॉपिंग किया है थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे तो और कुछ नहीं लेना था, ऑलरेडी बहुत सारा पैसा खर्चा कर लिया मैंने। तो पहले शेखर ने एक जीन्स लिया है, तो ये है एक ग्रे कलर में, तो ये जीन्स शेखर के लिए। देन सारा चॉइस जो है वो शेखर ने खुद किया है, मुझे थोड़ा सा कम समझ में आता है लड़कों वाला कपड़े। और ये एक शर्ट लिया है, सॉरी बटन जो है वो खुला है, तो ये शर्ट कुछ इस तरीके से है एंड ये पेल ब्लू कलर में है। आपको शायद व्हाइट लग रहा होगा लेकिन ये व्हाइट नहीं है, एकदम पेल ब्लू कलर में है। इस बार वो टी शर्ट नहीं लिया है क्योंकि टी शर्ट कुछ दिन पहले लिया था, 3-4। और एक अगेन एक शर्ट लिया है, मुझे पर्सनली चेक बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पर शेखत को इस बार चेक लेना था क्योंकि उनके पास चेक शर्ट नहीं था, उनके पास सारे जो है ना वो एक कलर की जो है शर्ट है वो है। तो ये शर्ट लिया है वो अपने लिए चेक पैटर्न में। ये तीन लिया है शेखत ने, और शेखत ने कुछ नहीं लिया है बोलने के बाद भी। तो ये मैंने लिया है मेरे पापा के लिए, मेरे पापा ने कहा था कि उनको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो एक्चुअली उनके पास बहुत सारे कपड़े हैं क्योंकि शादी के बाद से मैं देती आई हूँ हर एक ओकेशन पे, तो वो पहनते नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए बहुत सारे नए कपड़े उनके वार्डरोब में हैं। इसलिए स्ट्रिक्टली मना किया है मम्मी एंड पापा दोनों ने कि इस बार कुछ मत देना।
तो फिर भी मैं पूछ के आई कि क्या लेना है, कुछ तो मैं एक तो जरूर दूंगी। तो उन्होंने कहा कि शर्ट वर्ट मत दो, बहुत सारे हैं, टी शर्ट भी उनके पास बहुत सारे हैं। और फिर कहा कि ठीक है तो एक पैंट ही दे देती हूँ मैं, तो इसके लिए एक फॉर्मल पैंट दिया है उनके ऑफिस जाने के लिए, अच्छा खासा है एंड ये नेवी ब्लू कलर में है। तो ये पैंट उनके पास शर्ट है, और जामा षष्ठी के टाइम हमने उनको एक कुर्ता गिफ्ट किया था, सो वो भी नए हैं। और मुझे फिर से कुछ कूपन कार्ड मिले, फिर से वही वाला कूपन। हाँ, ये कूपन दे के ना वो लोग लालच देते हैं कि कुछ और खरीद लो। तो ये सब कुछ कपड़े टोटल मिला के हमारी 5000 से ऊपर हो गई है, एंड उसके वजह से हमें गिफ्ट मिला है। बट गिफ्ट जो है वो तब अवेलेबल नहीं था, इसलिए एक ड्यू स्लिप दिया है उन्होंने, तो फिर जाके हमें क्लेम करना पड़ेगा। तो एक कुकर मिला है 5 लीटर की, तो वो हमें फिर से जाके लेके आना पड़ेगा वहाँ से। बस गिफ्ट भी मिल गया है और शॉपिंग भी हो गई है, तो बस इतना ही कुछ शॉपिंग किया है मैंने। सो गाइस, बिग बॉस हो गई है खत्म और अभी हम करेंगे डिनर। इसके लिए मैंने ऑलरेडी आटा गूंद के रखी है, बस मुझे रोटी बनानी है, तो बस मैं रोटी बनाती हूँ और फिर हम करते हैं डिनर। सो ऐसा ही चल रहा है आजकल मेरा दिन। और आप लोगों की शॉपिंग हो गई क्या, प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे, सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।